वेलकम यू ऑल. अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है, डिड 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर देन, जितनी तुम आज हो 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था. ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज यू विल बी, तुम जितनी होगी मैं तुम्हारे 3 गुना होगा. कब, आज से 3 साल बाद. तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. हमें सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने क्या लिया, एज ऑफ डॉटर, और सेकेंड आप क्या लेंगे, एज ऑफ फादर. तो मैं आपको बताऊं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे एक्स या वाई, जो भी आपने वेरिएबल्स लेने हैं यहाँ पे, और आप क्या सपोज करेंगे, जो चीज आपको निकालनी होती है आप उसी चीज को सोच के पहले सपोज करके चल लेते हैं. तो देखिए आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, लेट एज ऑफ फादर, हमें क्या उनके दोनों की एजेस के रिलेटेड है ना, जिस चीज को रिलेट किया गया है उसी को हम सपोज करके चलते हैं. तो दिस इज द लेट एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर्स, आपका जो फादर है वो क्या है, एक्स ईयर्स का है, एंड द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज कितनी है, वाई ईयर्स, एज ऑफ डॉटर इज वाई ईयर्स. तो देखिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, दैट 7 years एगो, 7 साल पहले, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्या कहेंगे, 7 years पहले, 7 साल पहले, तो दोनों की उम्र में से हम 7 साल यहां से माइनस कर देंगे. आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन, जब तुम जितनी तुम थी मैं तुम्हारा 7 गुना था. इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, फादर की एज. तो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहां से इस कंक्लूजन पे आते हैं कि फादर की एज डॉटर की एज का 7 गुना है. तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं यहां से, 7y माइनस 49 एक्स माइनस 7y, और ये इधर गया माइनस 49 प्लस 7, क्या वैल्यू है यहां से, माइनस 42 एक्स माइनस 7y माइनस 42, ये क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट. तो देखिए यहां पे हमने क्या किया कि जो जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है जस्ट उसको लिखते जाइए, और सॉल्व करने के बाद आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी इन द टू वेरिएबल. और जो आपकी नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या कही है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी कि देखिए दोनों की ही उम्र का, दोनों की जो एज है 3-3 साल हमने ऐड कर दिए. आई शेल बी 3 times एज यू विल बी, तुम जितनी होंगी मैं तुम्हारा 3 गुना रहूंगा. तो देखिए फादर इज, फादर विल बी 3 times ऑफ डॉटर एज. तो सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 3, 3y, 3 3s are 9, x माइनस 3y, ये इधर चला गया, तो 9 minus 3 is 6. देखिए ये आपकी क्या है, इक्वेशन 2. तो हमने इसको एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. अब देखिए इस इन दोनों ही इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनकी वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी. तो देखिए यहां पे चेक करते हैं, एक वैल्यू व्हेन एक्स इज 0, जब एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 3, यहां पे डिवाइड में जाएगा तो दिस इज माइनस 2, एंड व्हेन वाई इज 0, जब वाई 0 रहेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज, देखिए ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 इज 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6. तो यहां से आपकी दो इक्वेशन आ जाती है, दो वैल्यू निकाली हमने. ऐसे ही इस केस में देखिए x एंड y,
मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि हम जीरो क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें इसको बाद में लोकेट करना इजी रहता है. तो देखिए, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, व्हाट इज सेवन क्या रहेगा. देखिए, मैं अगर यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42. एक्स की वैल्यू हमने जीरो लिखी, तो माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42 कैंसल. सेवन सिक्स, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 6. और जब y जीरो था, व्हेन योर y इज जीरो, तो देखिए y जीरो रहने के बाद x की वैल्यू क्या आती है, माइनस 42. दिस इज अ लिटिल बिट, थोड़ी हाई वैल्यू है. हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए x इक्वल टू, दिस इज माइनस 42 प्लस 7y. x यहाँ पे हम इसकी जगह पे y की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे, तो देखिए x की वैल्यू क्या आती है. ऑन पुटिंग दिस, 7 5 इज 35, तो माइनस 42 प्लस 35 क्या बना, माइनस 42 प्लस 35 डेट इज 5 एंड 2 माइनस 7. तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है, ये दो इक्वेशंस के वैल्यू आ गई है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन्हें ग्राफिकली ग्राफ पे पुट करेंगे. वेट, देख सकते हैं, देखिए ये जो आपकी दो इक्वेशंस थी, मैं इसे यहां से रब कर देती हूं. इन दोनों ही इक्वेशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे. ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यूज को चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6. और हमें अभी नेगेटिव टर्म भी चाहिए, तो दिस इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 और ये क्या है, माइनस 7. वैसे ही हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 4 5. तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते. तो देखिए, व्हेन कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 0 एंड 6. 0 6 का मतलब क्या है कि y एक्सिस पे x 0, तो ये पॉइंट कहां पे रहेगा, y एक्सिस पे x 0, डेट इज दिस मस्ट लाई हियर. ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रहेगा, 0 6. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, माइनस 7 5, यानी कि माइनस 7 ये है और 5 का है यहाँ पे. तो इस तरह से हम चेक करते हैं इसको, देखिए डॉटेड लाइन हम यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे. तो जहां पे भी ये पॉइंट को मीट करता है, माइनस 7 5, ये पॉइंट क्या रहेगा आपका, दिस इज योर माइनस 7 5. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों ही लाइंस को ज्वाइन करेंगे. सॉरी, दिस इज अ रफ डायग्राम, तो लाइन थोड़ी टेढ़ी है. यहाँ पे इनको ज्वाइन करने के बाद ये आता है हमें. और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्या थी आपकी इक्वेशन, 1 के लिए आपका ग्राफ है, दिस इज योर इक्वेशन 2. यहाँ पे क्या है आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 2. 0 माइनस 2 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे वाई 0, यानी कि आपका पॉइंट कहाँ है, यहाँ 0 माइनस 2. और दूसरा पॉइंट क्या है, 6 0. ये पॉइंट क्या है आपका, 6 0. तो अगेन हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मीट करेंगे. दिस इज योर ग्राफ फॉर सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों ही पॉइंट्स के बीच में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि दोनों लाइंस क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है एक दूसरे के. पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन. कि इस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट
नहीं करेगा. मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है. देखिए, आई थिंक अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, वैल्यूज कैसे निकालनी है, सॉल्यूशन क्या आएगा. एक दो क्वेश्चन में और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, किसी एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 3 bats and 6 balls. उन्होंने 3 bat और 6 ball ली हैं. कितने की? ₹4,3900. लेटर शी बायस अनदर बैट. उन्होंने एक और बैट लिया और 3 ball ली, 3 more balls उन्होंने वहां से ली हैं. कितने की? ऑफ सेम काइंड, मतलब दोनों की कैटेगरी क्या, क्वालिटी क्या है, सेम है. वो कितने के लिए उन्होंने? 1300 की. अगेन हमें इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली. तो देखिए, एल्जेब्रिकली अगर हमें इसे करना है, हमें ये पता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर, बट हमें एक बॉल का रेट नहीं पता, कॉस्ट नहीं पता, बॉल या बैट दोनों की नहीं पता. तो यही हमें निकालना है. तो सपोज करते हैं, देखिए मैंने कहा था कि जो चीज निकालनी होती है उसी को लेट करते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ बॉल इज वाई. दोनों ही कॉस्ट क्या है? एक्स और वाई. तो यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारी? कितने बैट थे? 3. कितने गए? एक्स रुपीज के, यानी कि एक बैट एक्स का है तो 3 bat कितने हुए? 3x प्लस एक बॉल वाई रुपीज की है. हमने बॉल कितनी खरीदी? 6 ball खरीदी है. तो 6y कितने की? 3900. यहां से आपकी क्या बनती है? ये फर्स्ट इक्वेशन. वैसे लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट वो लेंगी. ये सेकेंड इक्वेशन है. एक बैट लिया कितने का? एक्स रुपीज का. एंड 3 more balls, यानी कि एक बॉल वाई की, तो 3 balls कितने की? 3y. यहां से टोटल कितना आ गया? 1300 रुपए. तो ये क्या आ गई आपकी? दो इक्वेशंस आ गई है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज चेक करेंगे. सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है. तो देखिए, वैल्यूज कैसे निकालेंगे. फॉर इक्वेशन 1, एक्स और वाई की वैल्यूज. जब आपका एक्स 0 है तो देखिए 6 की वैल्यू क्या रहेगी? 3900 upon 6. इसको हम थोड़ा सा और बड़ा ले लेते ताकि ये थोड़ा इजी रहे. एक्स की वैल्यू 100, तो 300 यहां से क्या आ जाएगा? 3 into 100 is 300. और 3900 में से 300 माइनस किए तो क्या बचता है हमारा? 3600. 3600 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये क्या था आपका? 6y के इक्वल. इसको हमें y की वैल्यू निकालने के लिए इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 600. तो देखिए, व्हेन x इज 100, y की वैल्यू क्या आती है? 600. नेक्स्ट हम यहां पे x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 300 लेते हैं तो देखिए 3 into 300 क्या आया? 900. और आपको साइड में क्या दिया हुआ है? 3900. यहां से 900 माइनस किया, हमारे पास आता है 3000. डेट इज 6y = 3000. y की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 500. ये क्या वैल्यू आ गई? y की. तो व्हेन x इज 300, y की वैल्यू क्या है आपकी? 500. ओके, तो इस तरह से आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया. देखिए, अब हमने यहाँ पे 0 वाली वैल्यूज क्यों नहीं ली? क्योंकि उससे हमारा क्या आ रहा था? डिजिट्स बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, उन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा टफ रहता. तो देखिए, फॉर इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या रहेगा? एक्स और वाई की वैल्यूज चेक करते. तो व्हेन एक्स इज
एक्स की वैल्यू हम क्या रखें कि वहां से हमारे वाई की वैल्यू आ जाए, तो देखिए एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं 400, एक्स इज 400, तो 1300 माइनस 400 कितना बचा यहां से 900। देखिए कैसे सॉल्व किया, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, x की वैल्यू क्या है 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, 3y की वैल्यू क्या जाती है 1300 माइनस 400 डेट इज 900 3y, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 300। इस तरह से आपने इनको सॉल्व करने, तो देखिए जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि आप सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, व्हेन y इज 100, जब y की वैल्यू 100 रहेगी, तो देखिए y की वैल्यू 100 होने का मतलब क्या है कि 3 × 100 इज 300, और x के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 3 × 100 इज इक्वल टू 1300, तो वैल्यू क्या आ गई यहां से 300 प्लस 1300, तो x की वैल्यू आती है ये माइनस हुआ 1000। इस तरह से ये क्या आ गई, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। आपको क्या करना है उसके बाद, उन्हें सिंपली ग्राफ पे प्लॉट करना है क्योंकि हमें क्वेश्चंस को ग्राफिकली भी करना है। तो देखिए इस केस में जब आपका, आपने पहले भी चेक किया होगा कि जब कभी आपको ग्राफ पे नंबर्स जो है बड़े लेने हो तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9 और 10,000। इस तरह से हम इन पॉइंट्स को लेंगे और y एक्सिस पे देखिए पॉइंट्स कहां तक जाएंगे, 6, 5, 100, 200, 300, 400, 5 एंड 600। इस तरह से आपने क्या किया, इस तरह से आपने पॉइंट्स लिख लिया। देखिए 100 से हमने तब भी स्टार्ट किया और बीच में जो आपका गैप रहेगा यानी कि जो आपका बॉक्स रहता है ग्राफ में, यूनिट प्लेस जिसे हम बोलते हैं, जो आपका यूनिट रहेगी वो हंड्रेड्स की रहेगी। तो नेक्स्ट हम पुट करते हैं, फर्स्ट में क्या है आपका पॉइंट 100 है, 600, तो जब 100 यहाँ है 6 ये, तो ये फर्स्ट पॉइंट रहता है 100 600, ये आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स है। नेक्स्ट देखिए जब x 300 है, y की वैल्यू क्या है 500, y की वैल्यू क्या आ जाती है 500, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हम इनको ऐसे मीट करते हैं, ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन है। नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन देखिए, x की वैल्यू 400 और ये 300, 4 ये आपका पॉइंट है 400 एंड 300। नेक्स्ट इज जब x की वैल्यू 1000 है तो y की वैल्यू कितनी है 100, तो ये यहां पे रहेगा 1000 और 100। देखिए इसको सॉल्व करते, इनको भी हम आपस में मैच करेंगे, ये क्या है आपकी इक्वेशन 2। तो देखिए जब इस तरह से इसको मैं कहीं पे आगे लेके जाएंगे तो दिस मस्ट बी कट एट सम पॉइंट, ये किसी ना किसी पॉइंट पे आपस में कट करेंगे। तो इसका एक पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या बनता है कि ये दोनों लाइंस क्या है यहाँ पे, इन दोनों पेयर्स के लिए एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, जो कॉस्ट है 2 kg एप्पल की एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी रूपीज 160। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 160, एंड आफ्टर ए मंथ एक महीने के बाद ही द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रूपीज 300, उनकी क्या कॉस्ट है 300।
तो इन्हें भी हमें क्या करना है, ऐसे ही ग्राफ रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को. तो देखिए आप क्या सपोज करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता है कि कितनी एप्पल्स हैं, कॉस्ट नहीं पता. कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स क्या मानेंगे, रुपीज एक्स पर केजी, और ये कितनी होगी, रुपीज वाई पर केजी. अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इनको देखते हैं. आपका फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप, यानी कि 2x प्लस 1y दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी बनती है, 160 रुपीज. और जो सेकेंड सिचुएशन बनती है हमारी, क्या कहते हैं कि आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, यानी कि कितने के आए, 1 किलो x रुपीज के, तो 4 किलो 4x के, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स दैट इज 2y कितने का पड़ता है, ये 300 रुपए का. तो यहां से क्या आ जाती है आपकी, दो इक्वेशंस आ जाती है. अगेन हम सेम वही करेंगे कि इनकी वैल्यूज को निकालेंगे एंड देन उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. तो ये बिल्कुल सेम है, यहीं तक करते हैं इसको. नेक्स्ट आप अपने आप कीजिएगा, एक बार करके देखिए कि हाउ टू प्लॉट द नंबर्स. तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग द ग्राफ, और अपनी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो थैंक यू फॉर दैट सेशन.